देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन्हें IPC 1860, CRPC 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लाया गया है। नए कानून लागू होने से पहले देश भर के थानों में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कानूनों के बारे में पोस्टर भी लगाए गए हैं। नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। 0 FIR, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, SMS या ईमेल से समन भेजने और जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं। तो चलिए तीन नए आपराधिक कानूनों की बड़ी बातें जान लेते हैं। पहला, नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिनों के अंदर आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके गार्जियन या फिर रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 60 दिन के अंदर देनी होगी। नए कानूनों में संगठित अपराध और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है और सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाइयों की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान भी जोड़ा गया है। सूत्रों ने बताया कि ओवरलैप धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया और उन्हें आसान बनाया गया है। IPC की 511 धाराओं के मुकाबले इसमें केवल 358 धाराएं होंगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करने, झपट मारी जैसे आदि मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा IPC में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। भारतीय न्याय संहिता में इनसे निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा। पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। 0 FIR से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। इससे मामले दर्ज किए जाने के 2 महीने के अंदर जांच पूरी की जाएगी। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिन के अंदर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सीय देखभाल तुरंत मिले। आरोपी और पीड़ित दोनों को अपनी प्राथमिकी, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान, स्वीकृति और अन्य दस्तावेज 14 दिन के अंदर पाने का अधिकार होगा। नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है ताकि गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित किया जा सके और कानूनी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और प्रभाव बढ़ाया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।